हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन साइंस, चैप्टर नंबर 4, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। फर्स्ट वन इज मेटल्स एंड द सेकेंड वन इज नॉन मेटल्स। ऑल्सो वी विल स्टडी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स and chemical properties and reactions of metals and non-metals. And also we will study about the uses of metals and non-metals. तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जो भी मेटल्स होते हैं उसको हम किसी भी दूसरी चीज से, फॉर एग्जाम्पल हैमर से, उसको पीट पीट कर और उसे एकदम एक सीधा एकदम पतला सीट उसे बना सकते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन सीट्स इज कॉल्ड मलेबिलिटी। तो कोई भी मेटल को हम उसे बीट करके बिल्कुल एक पतली सीट बना सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मलेबिलिटी। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। तो ये मेटल की एक प्रॉपर्टी है। अगर मान लो कि ऐसा कोई आप दूसरी चीज़ लो, फॉर एग्जांपल कोल या फिर पेंसिल की छोटी सी क्ली, तो उसको इस तरह से हम किसी हैमर से पीट करके और एकदम पतली सीट नहीं बना सकते। अगर उसे इस तरह से आप हैमर से पीटोगे तो बिल्कुल ही पूरी तरह से टूट जाएगा, एकदम छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें सिर्फ मेटल्स के अंदर ही हमें देखने को मिलती। इसके अलावा जब भी हम किसी एक मेटेलिक पैन, मतलब कोई एक मान लो गर्म तवा है जो मेटल का बना हुआ है, उसे छूते हैं तो हम उससे हर्ट हो जाते हैं, मतलब हमें वो गर्म लगता है। लेकिन सेम चीज़ अगर कोई वुड की बनी हो या प्लास्टिक की और उसका हैंडल बना हो तो तभी हमें वो गर्म नहीं लगता, तब हम उससे बच जाते हैं। तो इसका मतलब प्लास्टिक और वुड, इन सभी चीज़ों में से इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट, ये दोनों पास नहीं होते हैं, बल्कि जब मेटल होता है तो मेटल में से हीट जो है वो उसमें से कंडक्ट हो सकता है। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रोन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो कोई भी मेटल है उसे हम खींच करके, उसे ड्रॉ करके उसे वायर्स बना सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है डक्टिलिटी। मान लो कि कोई आयरन का छोटा सा टुकड़ा है तो उसके खींच करके उसमें से वायर्स बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अब है कि जब भी मेटल्स या नॉन मेटल चीज़ें जब भी ज़मीन पे गिरती है तो उनका आवाज़, उनकी साउंड भी डिफरेंट होती है। कोई अगर आयरन है या फिर कोई एक कॉइन है और उसके सामने कोई मान लो कोल है या फिर कोई लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा है, तो उन दोनों के गिरने की साउंड बहुत ही डिफरेंट होती है। आप लोग खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आपको कोई एक कॉइन लेना है, उस कॉइन को उछाल के ज़मीन पर गिराना है और उसकी आवाज़ सुननी है, और कोई लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा लेके, वुड का छोटा टुकड़ा लेके उसको उछालना है और उसकी आवाज़ सुननी है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बिकॉज जो मेटल्स हैं वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है सोनरस। तो जो भी मेटल्स हैं वो सभी सोनरस होते हैं, इस वजह से उनमें से कुछ एक अलग रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इन सभी प्रॉपर्टीज़ को मिला के हम बोल सकते हैं कि जो भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर हार्ड, मतलब वो खूब ज़्यादा सख्त होते हैं। उसके अलावा लस्टरस मतलब कि चमकदार, मेलिएबल मतलब उसे पीट करके उसे एकदम थिन सीट्स बना सकते हैं हम, डक्टाइल मतलब उसके अंदर से हम वायर्स बना सकते हैं उसे खींच करके, सोनरस मतलब वो उसमें से रिंगिंग साउंड जनरेट होता है, एंड गुड कंडक्टर्स मतलब कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों पास हो सकते हैं। तो ये सारे प्रॉपर्टीज किस में देखने मिलती है? तो ये सारे प्रॉपर्टीज हमें देखने मिलती है मेटल्स के अंदर। हमें उसके बाद मेटल्स के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे वो मेटल्स के एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा जो कोल, सल्फर, ये सारी जो चीज़ें वो एकदम सॉफ्ट है, वो हार्ड नहीं होती, वो बिल्कुल दिखने में भी डल होते हैं। ये सारी जो चीज़ें उसको अगर हैमर से अगर पीटा जाए तो हैमर से भी वो एकदम पाउडर जैसे हो जाते हैं, मतलब एकदम टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसके अंदर से सोनरस साउंड नहीं निकलता, उसके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। ये सारी चीज़ों को हम बोलते हैं, जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, उन्हें बोला जाता है नॉन मेटल्स।
नॉन मेटल्स के कुछ एग्जांपल्स है सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फॉस्फरस। तो स्टूडेंट्स अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद अभी नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो उसके अंदर फर्स्ट हम स्टडी करने वाले हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। कोई मेटल या फिर नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है? तो आप लोगों को स्टूडेंट्स पता होगा, कोई मान लो कि आयरन की चीज़ है, मान लो कि कोई एक कील है, तो कुछ समय बाद धीरे धीरे उसके अंदर काट लग जाता है, रस्ट हो जाता है वो। तो वो किस तरह से होता है? तो ऑक्सीजन की वजह से होता है, ऑक्सीजन की वजह से उसके अंदर रस्टिंग हो जाती है। तो स्टूडेंट्स एक स्टैंडर्ड सेवन्थ के अंदर एक एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर हमें मैग्नीशियम की एक छोटी सी स्लीट लेकर के उसको बर्न करना था। उस प्रोसेस के अंदर जो चीज़ मिलता था, मैग्नीशियम को जो हम गर्म करते थे तो मतलब मैग्नीशियम की प्रोसेस होती थी ऑक्सीजन के साथ, तो तभी हमें क्या मिलता था? तो उसमें से हमें मिलता था मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह से आयरन को ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में रखने से, मतलब आयरन जब ज़्यादा समय तक हो जाता है तो उसके ऊपर ऑक्सीजन तो ऑब्वियसली आने वाला है, बारिश वगैरह की वजह से उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी आ जाता है, इसलिए उसमें से बन जाता है फेरिक ऑक्साइड और वो उसके ऊपर का रस्टिंग होता है, मतलब कि जो काट लगता है वो होता है। तो ये जो मैग्नीशियम है उसे गर्म करने पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है वो एसिड है या फिर बेस है, उसे चेक करने के लिए भी एक एक्सपेरिमेंट है। तो उसको चेक करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं लिटमस पेपर। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू बना देता है। इट मीन्स कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो एक बेस है, उसका नेचर है वो बेसिक है। तो जितने भी मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो सभी बेसिक नेचर के होते हैं। इसके बाद अभी नेक्स्ट एक और हमें एग्जांपल दिया है जिसके अंदर हमें सल्फर ऑक्साइड दिया गया है। सल्फर ऑक्साइड किस तरह से बनता है? तो सल्फर की प्रोसीजर ऑक्सीजन के साथ करने की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड की प्रोसेस जब भी वाटर के साथ की जाती है, वाटर मतलब कि H2O और सल्फर डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होगा SO2, इन दोनों की प्रोसेस करने की वजह से हमें मिलता है सल्फ्यूरस एसिड जिसका केमिकल फॉर्मूला है H2SO3। अभी अगर हम ये चेक करें कि सल्फ्यूरस एसिड जो मिला है वो एसिड है या बेस है, तो उसके अंदर हमें पता चलेगा कि वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड बना देता है, मतलब कि वो एक एसिड है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जितने भी नॉन मेटल्स है वो सभी एसिडिक होते हैं, उन सभी के ऑक्साइड है वो एसिडिक होते हैं। तो शॉर्ट में हम ये याद रख सकते हैं कि जो भी मेटल्स हैं उनके सभी ऑक्साइड है वो बेसिक होते हैं, जो भी नॉन मेटल्स हैं उन सभी के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट रिएक्शन विथ वाटर, मेटल्स और नॉन मेटल्स वाटर के साथ किस तरह के रिएक्शन करते हैं वो भी देखते हैं हम। तो स्टूडेंट्स कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वाटर के साथ बहुत ही जल्दी रिएक्शन करती है। फॉर एग्जांपल सोडियम जो है वो वाटर के साथ रखने से तुरंत ही वो जल जाता है, इतनी जल्दी वो रिएक्शन करता है। पर दूसरे जो मेटल्स होते हैं जैसे कि आयरन हो गया, तो उसके अंदर जो काट लगता है वाटर की वजह से जो रस्टिंग होती है, कोरोजन होता है, वो बहुत ही धीरे धीरे होता है। तो सोडियम बहुत ही फास्ट रिएक्शन करता है, तुरंत वो जल जाता है, बट जो आयरन है उसका रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है। कुछ कुछ जो नॉन मेटल्स होते हैं जो नॉर्मली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बट वो एयर के साथ बहुत ही जल्दी रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल फॉस्फरस जो है उसको अगर हवा में इसी तरह बस ओपन रखा जाए तो तुरंत वो जल जाएगा, तो लेकिन वो पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए, फॉस्फरस को ऑक्सीजन से बचाने के लिए उसको वाटर के अंदर स्टोर किया जाता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अभी रिएक्शन विद एसिड जो हम अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के लिए यहाँ तक हम रखते हैं, इतना आप लोग एक बार टेक्स्ट बुक में से रीड कर लो, फिर आगे की चीज़ों जो भी प्रॉपर्टीज़ है, जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इसके यूजेस है, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे।